एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूअर्स एज वेल। ये जो है, हम बिहाइंड द कर्टन जो है कोरोना एडिशन करने जा रहे हैं। मैंने एक अटेम्प्ट शुरू किया था लास्ट ईयर, इन विच आई वाज स्पीकिंग टू द प्रोफेशनल्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी की है और अभी भी कर रहे हैं। और उनकी क्या उनके उनका क्या से है इंडस्ट्री के अंदर, और वो किस तरह देखते हैं इंडस्ट्री, कहाँ लेके जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक ब्लॉकेज भी आ गया है जिसके अंदर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड आई वाज मेंट टू रिज्यूम दिस व्हेन आई बी कमिंग बैक टू पाकिस्तान, लेकिन आई माई सेल्फ एम स्टक इन कैनेडा, क्योंकि मैं भी कुछ एक्सपीरियंस लेने गया था, लेकिन यहाँ पे सब बंद हो चुका है। एनीवेज, इस वक्त मेरे पास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आप देख रहे होंगे विंडो पे, सॉरी असद, मेरे पास वो फैंसी वो इंट्रोडक्शन नहीं का नहीं नहीं था, आई थॉट गुड क्लियर साउंड। I have someone who's a very, very motivated individual who I have gotten a chance to also work with professionally, and हमने साथ काम भी किया, but he's been in the industry, I think, before I came into the industry, so obviously he has more experience than I do, and he's directed lots and lots of serials for mainstream Pakistani television, which includes Sang Dil for Jio, which also includes Parchhai for Hum TV, वो तो हमने साथ ही किया था, I think वो किया था। blockbuster बन गया था। He's got Mera Rab Waris under his umbrella, Malale Yaar under his umbrella for Hum TV. He's got Band Khidkiyan ka for Hum TV as well. Roshni for Jio, Khoobsurat for A Plus, and he's also worked with Express TV, and then he has Kaash for Jio TV, Behlawa for PTV, Barish Mein Likhi Kahani for PTV, Siskiya for Indus Vision, Sang Zaat for PTV, Khali Haath for Jio TV, and he's also, you know, worked with international productions as well as a director and producer. Indus Vision के साथ भी काम किया है। तो माशाल्लाह portfolio असद has been very very diverse. आपने हर network के साथ काम किया है, तो obviously your experience cannot be questioned. मैं आप सबसे पहले आप सवाल पूछूंगा कि ये how has the journey been so far? क्या बहुत मुश्किल था और बहुत मज़े का भी रहा और बहुत सीखने का मिला। लेकिन क्योंकि आई बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट फैमिली, आई बिलोंग टू फ्रॉम क्वेटा से मेरा ताल्लुक है, और उस क्वेटा को देख के और जहाँ पे मैं देखता हूँ कि अपना जहाँ पे बचपन और चीज़ें जिन गलियों में हम घूमते फिरते थे और आज जिस जगह पे हूँ, तो समथिंग डिफरेंट, अल्लाह का शुक्र है। और लाइक तो अच्छी आपने क्वेटा से क्यों बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद क्वेटा? क्वेटा से कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, क्वेटा में काम नहीं है। वहां पे एक पीटीवी था जिसपे एक अजीब सा टाइम था और एक अजीब वो कहते हैं कि ना मुझे तो जिस ग्रुप को कहते हैं कि जीएम का बेटा तो जीएम प्रोड्यूसर बनेगा, एडिटर का बेटा है तो वो एडिटर ही बनेगा, वो वहां पे नौकरी वाला सिस्टम, फिर वहां पे काम को बड़ा सीरियस नहीं लेना, तो इसलिए हमें कराची और इस मार्केट में बाहर निकलना पड़ा। सही है। तो मतलब कि चलें, आप अभी आपके जो प्रोडक्शंस हैं या आपके जो डायरेक्टोरियल एक्सपीरियंसेस हैं, वो काफ़ी, एक तो आपको शायद रेटिंग्स मैन कहते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं उसकी रेटिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, पहले बोलूंगा कि मतलब कि क्या डायरेक्टर रेटिंग लेके आता है, क्या कंटेंट रेटिंग लेके आता है, या ये एक्टर सिर्फ ले एक किया जाता है। तुक अच्छा देखिए सर, हमें तो अब वो इन सारी चीजों का पैमाना बस रेटिंग पे ही है, लेकिन मैं इस बात पे मेरा बिलीव नहीं है कि कौन रेटिंग लेके आता है नहीं लेके आता, लेकिन ये सबका हम एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर कंटेंट, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा प्रोड्यूसर का इसमें है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कितना बिलीवेबल होते हुए देख सकता है कि सुन स्क्रीन, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है तो प्रोड्यूसर तो पैसे काट रहा होता है यार, ये भी कम कर दो, यार। ये ये भी अभी काटना शुरू किए हैं इन्होंने बस। प्रोड्यूसर की कौन सी विजन है? प्रोड्यूसर तो बोलता है कि नहीं भाई, ये जो कबूतर वाला सीन है, इसमें कोई जाली कबूतर रख दो, और कबूतर बड़े महंगे हो गए। सर, ये तो और इस तरह के हमें बड़े झेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो ऑफिस में बैठा हुआ इंसान है ना, वो अकाउंट्स में या कहीं और बैठा हुआ उसको वो उसको तो इस बात का मतलब ही नहीं है कि ना आप आर्ट का काम कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा एक इख्तलाफ और भी रहा अभी, जो एक ये नई बात मुझे अपने 18 से 19 साल के एक्सपीरियंस में हुआ कि 9 बजे का ड्रामा, 8 बजे का ड्रामा और 7 बजे का ड्रामा कैटेगराइज करके आपको दिया जाता है,
फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट भी करते हैं, आप एज डायरेक्टर भी उस हिसाब से ट्रीट हो रहे होते हैं। 8 बजे वाले डायरेक्टर थोड़े से उनको इज्जत ज्यादा मिल रही होती है, 9 बजे वाला उसको थोड़ी सी मिल रही होती है, 10 बजे वाले को उससे कम मिल रही होती है, जो 7 बजे आता है तो वो बेचारा बड़ा डिफरेंट। लेकिन कहने का मकसद है कि ये सब चीजें ऑन एयर तो उसी तरह चलती है, उसी चैनल पे चल रही होती है, उसी प्लेटफॉर्म पे चल रही होती है, वही व्यूअर उन सब चीजों को देख रहा होता है, और कहीं पे वो आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है, कहीं पे आपको गालियां भी दे रहा होता है, तो ये सब। तो अच्छा, क्या हम एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है? क्या आपको लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से आपने प्रोफेशनलिज्म देखा, या अभी भी हम जो हैं हम अनप्रोफेशनल बन चुके हैं और हम एक बहुत ही खराब स्पाइरल की तरफ जा रहे हैं जो अपने आप को फिक्स नहीं कर रहा है लेकिन और तबाह करता जा रहा है? क्या ऐसा है? सर ऐसा ही है, आई एग्री विद यू सर, ये सवाल ही आपका आपका जवाब है। आपको पता है तबाह जा रहे हैं या तबाह हो चुके हैं? सर तबाह नहीं, तबाह हम हो नहीं सकते ना। आप ये देखें कि आपके पाकिस्तान में सिर्फ इसी एक इंडस्ट्री ने ही ग्रो किया है, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आया। हमने बाहर, मैं जब भी कोई 5 साल बाद ही दुबई से आया था पाकिस्तान में तो काम कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे काम बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा डिफरेंट लगा कि हमें 7-8 बजे का कॉल टाइम देते थे तो हम अपने कॉल टाइम से पहले सेट पे पहुंचे होते थे, लेकिन मेरा एक्टर 11:30-12 बजे आता है और फिर उसका मेकअप में टाइम, फिर बाकियों का इस तरह से, फिर हमें कहते थे कि जी आप किसी और एक्टर का सोलो शुरू कर दें, बस सिर्फ रिकॉर्डिंग पे आ जाए। तो एक अजीब सी गिचमिच हो गई थी अब इंडस्ट्री में, क्योंकि चैनल बहुत ज्यादा हो गए, काम बहुत ज्यादा। एंड सेकंड आपको बताए, ये जो बर्बाद होना शुरू हुआ या ये काम अच्छा होना शुरू हुआ मुझे नहीं समझ आया। सर पहले आता था एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता था जो एक स्क्रिप्ट तैयार करता था किसी डायरेक्टर के साथ मिलके, कोई किसी राइटर के साथ मिलके उस कहानी को फिर वो चैनल लेके जाते थे, चैनल में उसकी अप्रूवल लेने के लिए वो करते थे कि जी हमें ये ड्रामा अप्रूव कर दे तो फिर हम बना के लाते हैं, या कुछ बना के लेके आते थे वो चैनल अप्रूव करता था या जैसे। तो इसमें उस इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ने भी गन करना शुरू किया कि एक बहुत बड़ी हवेली अगर चाहिए होती थी या कुछ गार्ड चाहिए होती थी, उसका एम्बियंस इतना ग्रैंड चाहिए होता था, तो उन्होंने क्या किया, वो एक हवेली से लेकर एक 500 गज के घर में आ गए, क्योंकि उनको पता था कि यार हमारा स्क्रिप्ट बिक चुका है। जब ये सारी चीजें देखने के बाद फिर चैनल ने फिर अपने फ्रेंचाइज खोल लिए सारे, तो उसमें ये काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसमें चीजें भी ज्यादा हो गई, तो उसमें बहुत कुछ मिक्सअप हो चुका है। प्रोफेशनलिज्म के बारे में ये कहेंगे कि सर आपका एक्टर अगर आपको टाइम दे प्रॉपर सेट पे आके, तो फिर तो आपको इसमें, क्योंकि ये काम पैशन का है सर, टाइम का नहीं है, 9 to 5 वाली जॉब तो है नहीं, इसमें तो कभी कभी आपको 18 घंटे भी काम करना पड़ जाता है, कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि हम बैकअप भी करना है, तो ये उस टाइप का काम है सर। मैंने तो अभी यहाँ पे जो अभी करंट जो एक्टर्स देखे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, और आपके काम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप ये कह रहे हैं कि एक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, मतलब कि ये आप बोल रहे हैं कि तो उन्होंने क्या ग्रांट दिया हुआ है? बात से मैंने सर, मैंने तो ऐसे ऐसे एक्टर देखे कि वो सेट पे आते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, मेरे ही कुछ पीछे के एक्सपीरियंसेस हैं ड्रामों के, कुछ दोस्तों के साथ जो हम बैठ के हमें पता चलता है कि कोई राइटर बता रहा होता है, कोई असिस्टेंट बता रहा होता है, क्या स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते एक्टर। जब एक एक्टर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेगा और सेट पे आएगा, वो उसका जो है ना सेट पे आके हल्ला मचाते हैं, सुबह एक कप चाय पे लड़ रही होती है ये बहुत चाय बगैर तो शुरुआत नहीं होगी ना, चाय पीनी है। सर नाश्ता नहीं मिल रहा, मेरा नाश्ता नहीं आया, वो रिफ्रेशमेंट पे भी फटे चल रहे हैं, पता नहीं क्या उनकी इंटेंसिटी। और सेकंड सर फोन हाथ से नहीं निकल। अच्छा मैं आपको फोन की, सॉरी बात आपको काट रहा हूँ आपको, अच्छा फोन पे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की, असल में जब मैंने आप ये भी काम करना शुरू किया थोड़ा बहुत, अच्छा मुझे तो था अंदर से कि यार आई वांटेड टू गेट सम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, बिकॉज़ लर्निंग आपकी बड़ी बढ़ती है, आपको भी इसका अंदाजा होगा कि आप सीखते बहुत ज्यादा है। तो सेलफोन अलाउड नहीं है सेट पे, सेलफोन अलाउड नहीं है, पिक्चर्स अलाउड नहीं है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कल्चर हमारे पास क्यों है? मतलब कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या हम दिखाना चाह रहे हैं कि यार हमें ड्रामे मिल रहे हैं, हम बिजी हैं, हम मतलब कि व्हाई, व्हेन विल दिस स्टॉप? एक दफा एक इंसिडेंट हो गया था, एक एक्ट्रेस का इंसिडेंट हो गया था, सॉरी एक एक्ट्रेस का इंसिडेंट हो गया था जिन्होंने कोई बना ली थी एक वीडियो जो अपने एडी की, और इस एडी की मजाक उड़ाई गई,
और पूरे इंडस्ट्री ने उस पर शोर मचाया कि यार स्टॉप बीइंग अनप्रोफेशनल। तो मतलब कि ये हम रोक सकते हैं, आप रोकेंगे इसको कि यार सेल फोन्स को छोड़ दें, आप अपने फ्री टाइम पे इस्तेमाल कर लें, लंच टाइम पे इस्तेमाल कर लें, बट व्हाई आर यू मेकिंग इट इनटू एन अनप्रोफेशनल हैबिट? सर वो असल में ना अभी मैं मुझे भी यही एक्सपीरियंस एक लड़की के साथ हुआ कि उसका फोन कान से नहीं उतरता, यानी मेरा एडी आके वो उसको ऑब्जर्व करते करते ना वो चिढ़ गया, कहता है बॉस इससे फोन नहीं चले। आप अंदाजा लगाएं कि एक लड़की है या लड़का है वो सेट पे आता है, वो सेट पे अगर आके मेकअप रूम में उसको सब बेसिकली सारे एक्टर्स कुछ वो वाला माहौल तो है नहीं कि हम रीडिंग सेशंस लगाएं कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकले कुल है हमारे सारे एक्टर, वो कहते हैं कि जी हमें सब कुछ आता है तो वो फिर हम भी उनको उसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि यार ठीक है, क्योंकि जब आपको एक एक्टर पैशन से आता है ना अपने सेट पे कि उसको अपने करेक्टर का ग्राफ बनाया हुआ है, उसने उसने अपने पेपर वर्क किया है, उसको पता है कि उसके फर्स्ट डायमेंशन में उसने किस तरह परफॉर्म करना है, सेकंड डायमेंशन क्या है, थर्ड डायमेंशन क्या है, तो उसके साथ वो चल रहा होता है, फिर वो डिस्कशंस होती हैं सेट पे कि आप उस करेक्टर को कुछ आपको आर्टिस्ट के साथ, यहाँ पे तो को आर्टिस्ट आपको क्यूज नहीं देते। अब बहुत से एक्टरों का प्रॉब्लम है कि वो बेचारे सेट पे खड़े होते हैं, वो एक आके अपने सोलोस करा के वो चला जाता है, वो मेकअप रूम में बैठ के दोबारा मोबाइल और फेसबुक चेक कर देते हैं, इंस्टाग्राम चेक कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास इंडस्ट्री में, हमारी जो ये लड़कियां हैं जो हमारी तीन चार ही कुछ स्टार टाइप है, वो लड़कियां भी ऐसी हैं कि आप सुबह सुबह उनके सेट से एक तस्वीर इंस्टाग्राम पे आएगी। फिर मैंने तो अभी कुछ एक सेट पे मैं लोकेशन पे गया था लोकेशन देखने के लिए, तो सेट पे एक बॉक्स पड़ा हुआ था किसी का, तो मैंने पूछा कि ये किसका है क्या है ये, तो मैं पूछी तो वो कहते कि जी ये पीआर की टीम ने बेची है तो सर ये हमारे जितने भी एक्टर हैं ये फिलहाल ये मंजन बेचने में लगे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि स्टार को जो है ना अपने मासेस के साथ कैसे इंटरेक्शन करनी है। चले ये तो मतलब कि ये तो अब ये जो एक्टर्स हैं इनका तो मतलब कि चले अब उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है, उनको भी अपना काम करना है। अभी बहुत पता नहीं पता क्या बोल दिया इनको, एक गल को मुझे चढ़ना, आपके पीछे तो अभी आपके पीछे तो जंग लड़ने वाली है क्योंकि ये जो आपने चीजें बोली हैं, बट बहरहाल सही है। अच्छा अब हम अभी वो उनको भी पता होगा कि वो इस टाइप से आएंगे तो सेट पे क्या होगा। अच्छा तो ये मुझे बताएं कि एज ए डायरेक्टर या हमारे पास जो इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं सारे सारे बिजी हैं अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, आप एज ए डायरेक्टर काम करते हैं एक नेटवर्क के साथ, आप उठ के चले जाते हैं दूसरे नेटवर्क पे, एक नेटवर्क नाराज हो जाता है, बोलता है यार आपकी लॉयल्टी नहीं है, आप किसी की भी नहीं, आप उसकी भी नहीं है, दूसरा नेटवर्क आपके पे पैसे काटता है, फिर बोलता है कि यार इसने दूसरे नेटवर्क के साथ काम कर लिया हम इसको बैन कर देंगे, हम इसके बारे में बातें कर लेंगे, हम इस पर क्लॉजेस लगा देंगे, हम जिस एसोसिएशन में चले जाएंगे हम इसके ऊपर जो है इसको बाहर कर देंगे। इसमें डायरेक्टर की क्या गलती है? अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, अगर आपको एक नेटवर्क और काम दे रहा है, तो उसमें एक नेटवर्क नाराज क्यों जाता है? वो लॉयल्टी वाला फैक्टर क्यों खत्म हो जाता है? प्रोफेशनलिज्म में तो कहीं भी ऐसा नहीं है। सर सबसे ज्यादा लॉयल मैं बताऊं आपको इस टाइम पीरियड में प्रोडक्शन हाउस के साथ उसका डायरेक्टर जितना लॉयल है और उसका डीपी शायद उसके साथ कोई भी लॉयल नहीं है, लेकिन उसको उतना ही फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इन केस ये कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, हम टीवी के साथ, जियो के साथ या उनके साथ, ए प्लस के साथ या किसी भी चैनल, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ कि या मुझे कभी किसी ने बोला, तो बहुत प्यार से वेलकम किया है, यानी असद साहब ने भी किया है, अब्दुल्ला साहब ने भी किया, मोहन बाबी ने, आपने, यानी हर किसी ने, तो वो तो मुझे नहीं समझ आया ऐसा कि कभी किसी के लिए ऐसा हुआ होगा, तो मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कभी भी। अच्छा आपके साथ नहीं हुआ, आपके पास काफी वेलकमिंग है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप प्रोफेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, अगर आपको काम मिल रहा है और अपने काम के थ्रू अपने आप को वेलकम कर रहे हैं। एक और चीज मैं बताता हूं आपको, अच्छा थोड़ा सा मैं माइंड से निकल गया सर, एक एक्टर है, उस एक्टर ने चार ड्रामे तीन ड्रामे पकड़े, वो उन तीन ड्रामों में अपने साथ जो है वो डिफरेंट चैनल के तीन ड्रामे कर रहा है और उसने एक महीने में सबको 10-10 दिन देने। अब आपका डायरेक्टर उस एक प्रोजेक्ट के साथ इतना कनेक्टेड है उस एक्टर के साथ कि वो 9 महीने तक उसको कोई और काम करने को दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक डायरेक्टर एक ड्रामा कर रहा होगा तो अगर वो स्विच करेगा दूसरे ड्रामे पे तब प्रोडक्शन हाउसेस दोनों क्लैश होगा। तो हम वेट करते हैं कि यानी मैंने एक प्रोजेक्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो हमने 9 महीने में तैयार किया था, उसमें आप भी इन्वॉल्व थे तो
उसका तो उसमें यानी हम 9 महीने तक चले गए और मैंने इसमें मुझे मेरा रब वारिस कर रहा था, तो इसमें बड़ा मुझे मजा आया काम करते हुए कि हमने 3 महीने में प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। हमने परछाई तो बड़ा जल्दी खत्म किया था, परछाई भी हमने बहुत अच्छे से जल्दी से खत्म किया था। या आप बंद खिड़कियां की बात कर रहे हैं, वो लंबा खिड़किया वहां बंद खिड़कियां हमारा लंबा खिंच गया था तो सही है। वो था लेकिन मेरा रब वारिस जब मैंने किया तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें दानिश ने मुझे 90 डेज दे दिए। उस 90 डेज में हमने मदिया से भी उतना ही टाइम लिया। जब आपकी मेन लीड कास्ट आपको इतने 3 महीने दे देती है एक प्रोजेक्ट के लिए कि वो कुछ और ना करे, देन फिर आपको दूसरे करेक्टर्स आराम से मिल जाते, देन फिर आप वन गो में एक प्रोजेक्ट खत्म करते हैं। जब आपकी लीड कास्ट ईच आर प्रोजेक्ट में वो बिजी है तो वो आपको कितना टाइम देगी, और एक डायरेक्टर बेचारा वो चार प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हैं? आई थॉट इतने भी आर्टिस्ट अवेलेबल जो बोलते हैं कि हम एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट करेंगे, ये चार पे किस तरह? आप मुझे बताएं सर, 8 बजे के ड्रामे के अलावा 9 बजे के ड्रामे में आपकी मारा कभी नहीं आएंगे, आपकी ये दूसरी कोई एक्टर्स कभी वो 9 बजे का, यानी हम भी अभी ये जो मैंने मेरा भी अभी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि मुझे 9 बजे और 8 बजे में फर्क समझ नहीं आया पूरी जिंदगी में। हमें तो सिर्फ ड्रामा ही समझ आया कि हमने इस कहानी को बताना है लोगों को, व्यूअर्स को, लेकिन ये कैटेगराइज किया उसको तो वो उसमें ये आपकी स्टार कास्ट और उसको कास्ट को भी ऐसे कैटेगराइज किया कि वो बी क्लास है, सी क्लास है, ए क्लास है, तो ये सब हमने खुद किए हुए हैं सर। तो अच्छा ये बताएं कि ये जो एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, 3-4 बड़ी बनी हुई मार्केट में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए, और जी हम जो है सबके पैसे छुटवाएंगे, हम मसले हल करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, क्या ये परफॉर्म कर रही है एसोसिएशंस? कल कुछ भी करेंगे, कल कोइंसिडेंटली एक ग्रुप था, उसके अंदर मैं भी काफी टाइम बाद गया तो मैंने देखा कि यार ये इसके अंदर पता नहीं किसी को निकाल दिया है, तो उसने जी वो एक और ग्रुप बना दिया है, हम उसके खिलाफ जाएंगे। मतलब कि हम अभी तक सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन हम उस रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। सर रेजोल्यूशन की तरफ उस वक्त जाएंगे जब आप में एकता होगी सर, आप में इन चीजों की सूझ नहीं है। असल में ना ये प्रॉब्लम ये है कि वो क्यों सदर बना हुआ है, हम क्या बने हुए सर। एज कम्पेयर हम अपने को और बॉलीवुड को देखें ना तो उनकी एक यूनियन है, अगर वहाँ को शेख जायद रोड पे अगर सीन करना है तो उनको वो दुबई में रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, ये उनकी UPA वगैरह सब करती है, तो हमारी UPA हमारे पास दूसरे जितने भी नाम है ये क्या करेंगे? हमें एक एक्टर हमारे प्रोड्यूसर से पैसे नहीं निकाल के दे सके यार, ये मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ऐसा एक ग्रुप बना था जिसमें हम सब मोहसिन भाई ने बहुत अच्छा डिनर अरेंज किया था, तो हम वहाँ पे गए, हमने बहुत बड़ी डिस्कशन भी चीजें भी हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या वो एक सेट पे किसी एक्टर की वजह से कोई मसला होता है तो क्या पूरा सेट बंद कर देंगे? ये सर ऐसे हो नहीं सकता जब तक हमारे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स को सब एक साथ, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टर को इतना इग्नोर किया गया था दरमियान में, हम जब एक हमारा प्रोडक्शन हाउस था उसको आम लफ्जों में छापा खाना कहते थे तो उसने डायरेक्टर्स की वैल्यू खत्म कर दी कि जी एक टाइम आया। आपको पता है लाहौर की इंडस्ट्री क्यों बर्बाद हुई? लाहौर की इंडस्ट्री इसलिए बर्बाद हुई, जब हम भी वहां पे काम करते थे, हमने ABC से काम शुरू किया और STN एक चैनल होता था, हम उस वक्त से बहुत पुराना एक ABC की बात होता, तो लाहौर में जब ये किसी भी जो गुजर थे या जितने भी प्रोड्यूसर थे उनको एक एक्ट्रेस पसंद आती थी तो अपनी मर्जी के गाने और ड्रामा फिल्म उससे बनाते, जब कोई डायरेक्टर मना करता था या बेचारे को मारते थे या वो अपने किसी असिस्टेंट को कहते थे कि तू शुरू हो जा, तो इस हिसाब से भी डायरेक्टर्स बने हमारे पास। तो वो सही है, तो हाँ बोले बोले आप अपनी बात खत्म करें। तो उससे सर हमारे पास अभी भी इंडस्ट्री में हमारे सारे डायरेक्टर्स माशाल्लाह सर बहुत अच्छा काम करते हैं, सबको बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन उनको बांध दिया जाता है सांस बोलने। अच्छा, कंटेंट एवोल्यूशन नहीं हमारे पास, मतलब नहीं है ना सर। आप अपने सिनेमा को का हाल देख लेना, अगर सिनेमा पे
एक फिल्म जवानी फिर नहीं आनी हिट हो गई, हसन जिया का राउंड नंबर टू हिट हो गया, पूरी इंडस्ट्री ने जो है ना सिर्फ जो है ना कॉमेडी बनाना शुरू कर दिया कि जी हम यही करेंगे भाई, यही इसी में पैसे आएंगे और थोड़ी कॉमेडी कर लो भैया। तो जब आप ये सोचते हैं ना तो सर तो आपकी इंडस्ट्री और फिल्म में लोग सब कहाँ चले जाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत ही फेमस ड्रामा हुआ जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसने जी वो मतलब कि एक मीम जनरेशन बन गया, जोक्स बन गई, क्या क्या हो गया, सेंसेशन हो गया, उसका सिनेमा पे वो रिलीज हो गया। उस ऐसे कंटेंट की क्या सक्सेसफुल वो है, मतलब सक्सेस क्या है, क्या उनके एक्टर्स, क्या उनका कॉन्टेंट, या वॉज अ फ्लूक, मतलब क्या अगर हम उनके एक्टर्स बदल दें क्या वो उतना ही पॉपुलर होता, मतलब कि उसका पैकेज उतना ही पॉपुलर होता सर। No doubt, खली साहब के डायलॉग्स में ना बहुत जान है। लेकिन मैं उस ड्रामे को क्यों देखूंगा अगर उसके अंदर कोई B-rated एक्टर होगा? सर परफॉर्मेंस तो होगी ना सर, लेकिन उसके उनके भी ड्रामे में सब एक्टर एक ही तरह बोल रहे होते हैं, ये मेरा इख्तिलाफ है उनसे कि उनका जो है ना कोई ड्राइवर भी होगा वो भी फलसफा जान रहा होगा तो उस तरह से है। अच्छा डायरेक्शन के लिहाज से और अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब कि डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी जो होती है, मतलब एक डायरेक्टर का मतलब ये कहते हैं कि जी जो टेलीविजन है, जो ड्रामास हैं, वो राइटर्स मीडियम है और फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। आप जब एक राइटर के साथ काम करते हैं, अगर आपका कोई ओपिनियन होता है कि यार इस स्क्रिप्ट के अंदर जो आपने लिखा है हो सकता है वो साउंड इतना सही ना कर रहा हो और हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो आपके साथ राइटर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, कितना कोऑपरेट करता है, या प्रोड्यूसर करने नहीं देता है वो कोऑपरेट? सर करने देते हैं आपका, क्योंकि डायरेक्टर ओपिनियन तो जरूर आता है उस स्क्रिप्ट पे। लेकिन अगर अगर चैनल अप्रूव स्क्रिप्ट आ रही है तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो बेस्ट है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके भी फिर आपको बैठ के, जैसे अभी हमारे पास एक स्क्रिप्ट था, मैंने उसको गांव से चेंज करके हमने शहर में किया और कुछ प्रोडक्शन की भी मजबूरियां थी और वो सारा कुछ हमें करना पड़ा, तो हमें स्क्रिप्ट पूरा बदलना पड़ा। तो उसमें राइटर बेचारा, राइटर भी सर बहुत बेचारा है हमारी इंडस्ट्री में। मतलब कि राइटर्स भी हमारे बेचारे वो कह रहे थे, उनको अगर कंटेंट से एक फोन चला जाता है कि जी हम ये सीन बदल रहे हैं तो वो कहते हैं जी ठीक है कोई मसला नहीं है, हम बदलें, गरीबी कौम है सर। नहीं बट मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा कि हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ जाए। मैं हमेशा रिपीट भी करता हूँ सर, जाएंगे सर हम बहुत अच्छा जाएंगे, आपको पता है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारी इंडस्ट्री में, बहुत से लोग। नहीं देखिए आपकी इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है, आपकी इंडस्ट्री बाहर देखी जाती है, बाहर उसके कंपैरिजंस होते हैं, लोग आपको करते हैं। से ये सोशल मीडिया के बाद से तो हमें पता चला है कि कितना देखा जाता है। बिल्कुल, तो पहले एक बीटीवी होता था, तब तो बहुत कुछ है, कुछ सही है। I think मैंने इसको मतलब कि बहुत मजे की आपके साथ रिकॉर्डिंग हुई है, we went to over 20 minutes and stuff, और आपने काफी काफी बातों को कवर किया मेरे सेशन के अंदर, और आपने प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात की, अनप्रोफेशनलिज्म के बारे में बात की, प्रोड्यूसर्स के वॉइस को डिस्क्राइब किया, एक्टर्स को किया, राइटर्स को किया, टेक्निकल लोगों को भी किया, और आपने ये भी एम्फेसाइज किया कि हमारे पास जो है जब तक यूनियंस नहीं बनेंगी तो सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारा जो दो दो ढाई ढाई साल का जो ब्लॉक आ गया है पेमेंट्स पे, ये जो मैं सुन रहा हूँ, मैंने तीन चार वीडियोस भी देखी कि हाँ जी हमारे जो है वो प्लीज पैसे रिलीज कर दें, हम लोग को लाइन प्रोड्यूसर्स को पैसे देने हैं, हम लोग को अपने स्पॉट बॉयज को पैसे देने हैं। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू क्राई अबाउट दिस, बिकॉज ये आपके पास जितना टाइम था इसको फिक्स करने के लिए। तो इस ये जो हम क्वारंटीन के थ्रू जा रहे हैं, अगर इस वक्त भी हम इन चीज़ों पर नहीं वर्क करेंगे तो हम कभी नहीं करेंगे। हालांकि मेरा अपना अजम्पशन है कि ये नहीं होगा, शायद हम वापस जाएंगे उसी प्रैक्टिस पे और हम इसी तरह से चलते रहेंगे। towards the closure of this thing, आप क्या कहना चाहेंगे as a subtle message कि यार क्या होना चाहिए कि बस stay home, stay safe, और industry और artistsों को लिए और जो newcomers। अच्छा मैं इस आपके साथ थोड़े से एक दो मिनट लेना चाहूँगा newcomers के लिए, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत से messages आते हैं लड़कों के, लड़कियों के, कुछ बाहर से भी हैं, यहाँ से भी हैं, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कि जी हम एक्टर बनने के लिए क्या करें। सही मेरे भाई, एक्टर बनने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक्टर होता है या नहीं होता, आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास टैलेंट है और आपके हाथ में एक चैनल है जिसको आपको मोबाइल है, उस पर आप अपना टैलेंट दिखाएं और आपको एक्टर समझ आ जाते हैं। और तस्वीर कभी भेजते हैं जी, तस्वीर तो आप कोई भी, मेरी भी इतनी अच्छी आ रही होती है तस्वीर, हो सकते
तो वो वीडियो बना के कभी आप लोग अपने प्रोफाइल्स के साथ अटैच करके या कभी भी मैसेज पे लिया के, तो उसमें कोई आप कभी थिएटर किया हो या किसी ने कुछ भी किया हो तो वो समझ आ जाता है कि यार जी अब ठीक है कि हम इस कैरेक्टर्स में देख रहे हैं। चले नहीं, वो नए नए टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। मैंने यूटिलाइज नहीं कोशिश की नए टैलेंट को लॉन्च करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा हमारा नया टैलेंट, हम एक और माइंडसेट में फंस गए हैं सर कि ये क्लास ए के एक्टर हैं, ये 8 बजे के 9 बजे जब ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी हमारी इंडस्ट्री में से, हमारा प्रोड्यूसर भी अभी डिस्टर्ब है। एक एक्टर को 40-40 लाख रुपया देना पड़ता है सर, लड़कियों को 50 लाख रुपए तक अब मांगती है एक हीरोइन, आप अंदाजा लगाएं। और 10 घंटे की शिफ्ट में वो आएगी 12:30 बजे सेट पे, ये सब पेन लेके हम काम कर रहे होते हैं। अब वो तो आपके ऊपर एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आप कितनी प्रोफेशनलिज्म इन्फोर्स करते हैं। मुझे पता है कि जब मैं काम करता था तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था लोगों को, क्योंकि मैं बोलता था कि आप लेट आती हैं, आप लेट आते हैं, लोगों के पास पसंद नहीं आती थी। बट अगर आपने सिस्टम फिक्स करना है तो आपने हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सही। तो इसी नोट पे असद, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई थिंक वी हैव रिकॉर्डेड 26 मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग कंटेंट, पीपल विल वॉच इट, एंड क्योंकि आपको पता है डिजिटल पे अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम होता है, तो फिर लोग कंप्लेन करेंगे यार इतना लंबा हो गया, इतना वो हो गया, लेकिन बातें मजे की थी कि आई थिंक आई विल शेयर द एंटायर थिंग एंड आई होप पीपल वॉच इट विद जेन्युइन ओपन माइंड एंड अंडरस्टैंड। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बहुत जल्द वापस बात होगी। लेट्स होप फॉर रिकवरिंग टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। लेट्स होप कि हम जो है हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, इस क्वारंटाइन के बाद बहुत चीजें बदलेंगी और बहुत अच्छा टाइम देखेगा, हमारी इंडस्ट्री देखेगी, पाकिस्तान देखेगा और इंशाल्लाह छा जाएंगे सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। ओके सर, अल्लाह।